मुझे ऑटो मिल गया और मैं अब जा रहा हूँ। मैं निकलता हूँ घर से और जाता हूँ पटना बस स्टैंड, क्योंकि मुझे बस पकड़ना है। बस मैंने ऑनलाइन बुक किया था और सामने से बस को देखता हूँ तो काफ़ी खुश होता हूँ, क्योंकि बस काफ़ी अच्छी थी। फिर बिना सोचे हुए मैं बस के अंदर जाता हूँ। अब बस काफ़ी अच्छी अंदर से भी थी। अब मेरा जो स्लीपर बर्थ था वो भी काफ़ी अच्छा था, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ उस पर। उसके बाद अभिजीत कुछ खाने को लेकर आता है, खाता हूँ, फिर राइड। 2000 years later अभी भाई लोग रेपिडो कर रहा है, हम लोग रेंट पे कार ले रहे हैं, तो अभी घूमने का प्लानिंग हो रहा है। हम लोग रांची पहुँचे हुए हैं और रेंट पे कार लेकर निकलते हैं घूमने, तो जैसा होगा आप लोग दिखाते हैं, चलिए। और अभी हम लोग रांची के सड़कों पे हैं, ये हमारे रेपिडो वाले भैया हैं और हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। चलिए अभी कार पिकअप करने जा रहे हैं, तो वहाँ कार पिकअप करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। गए हैं और ऑटो वाले काफ़ी अच्छे थे, उनको पहुँचा दिए। इधर देखिए बहुत सारी कार लगी हुई है, तो कोई कार इसी में से रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग राइड करेंगे। लेट्स गो। कार वाले भैया ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड मांगते हैं, जो मैं उन्हें देता हूँ और वो वेरीफिकेशन कर रहे हैं। बोलना था ना, मैं पूरे दिन के लिए कब से तैयार हूँ। और देखिए भैया भी साथ में है और गाड़ी पिकअप करते हैं। ये है ना भैया गाड़ी, ये है। और फाइनली इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर निकालते हैं। फाइनली गाड़ी अब चेक कर रहे हैं, कोई डेंट वगैरह नहीं हो, उसके बाद राइड के लिए निकलेंगे। और अब यहाँ से निकलते हैं और क्या कॉस्ट वगैरह है वो आपको हम बता देते हैं। ये सिक्योरिटी मनी ये लोग 5000 रुपये लेते हैं, और बाकी कौन सा रेंटल सर्विस से हम लोग लिए हैं कार वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और 800 रुपये पड़ा है 6 घंटे का, तो 6 घंटे का ही लिया है हम लोगों ने, उसके बाद चलते हैं। और ड्राइव मेरा फ्रेंड कर रहा है रोहित, तो चलिए चलते हैं। हेलो, क्या वेट कर रहे हैं? छोटा सा ढाबा है और काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस है, तो खाते हैं। खाना आ रहा है उधर, लग रहा है खाना, हम लोग का खाना लगता है, उसके बाद खाते हैं और फिर निकलते हैं पतरातू वैली। तो पतरातू बैग देखिए सोनू भैया हमारे साथ आएंगे। पता है गाइस, हम लोग का प्लान एक ही दिन का था, तो अचानक से आए और ऐसा हुआ कि हम लोग कोई कपड़ा भी लेकर नहीं आए। देखिए अगर वैसा नहाना पड़ा तो तौलिया लपेटेंगे और नहा लेंगे। और देखिए खाना काफ़ी अच्छा है, चावल है, दाल है, पापड़ है, भुजिया है और चटनी है। चलिए खाते हैं, उसके बाद पतरातू वैली निकलते हैं। आइए तो शुरू भी कर दिया। रांची का हम लोग का ये फर्स्ट बारिश, मतलब यहाँ आने के बाद रोड पे हैं पतरातू जाते हुए और काफ़ी मौसम ख़राब है। पता नहीं दोस्तों जाते जाते मौसम कैसा रहेगा। अब बारिश का मौसम है, काफी अच्छा लग रहा है। आइए हमारे गोलू ड्राइवर और रोहित और अभी टकला हो चुका है, तो टकला भी बोल सकते हैं हम लोग। नहीं 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 ऐसा मजाक नहीं उड़ाना, ऐसा मजाक नहीं उड़ाएगा, हम लोग उड़ा सकते हैं। अरे इधर तो बारिश नहीं हुआ यार, और नीचे काफी तेज बारिश मिली थी, लेकिन अभी कोई बारिश नहीं है, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग पतरातू वैली वाला रोड में आ गए हैं और रोड का खूबसूरती दोस्तों क्या बताएं दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रोड दिख रहा है और काफ़ी वेल मेंटेन है, तो झारखंड गवर्नमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जोर कीजिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग घाटी क्षेत्र में आ गए हैं, घाटी प्लस बारिश, तो काफ़ी रोमांचक सफ़र हम लोग का हो रहा है।
काफी तेज हो रही है। देखिए हम लोग पतरातू डैम पहुंच पाते हैं, पहुंचने के लिए तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वहाँ घूमने का है कि बारिश में घूम, अगर मन करेगा तो भीग के घूम सकते हैं, बट देखिए आगे क्या होता है। वहाँ जाने के बाद अगर बारिश हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। अभी काफी दोस्तों रोड घूम घुमा के होके जा रहा है, कौन सा इसको घाटी बोलते हैं मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन अभी हम लोग पतरातू वाले रोड पे हैं। उसी घाटी इसको बोलते हैं, अच्छा सॉरी इसको पतरातू घाटी ही बोलते हैं, और हम लोग पतरातू घाटी में हैं और मौसम काफ़ी ख़राब है। एक तो घाटी है, ऊपर से बारिश हो रही है काफ़ी तेज, जो मैं आपको दिखाया हूँ, तो काफ़ी रोमांचक काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बारिश है प्लस घाटी है। चलिए बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हम लोग पतरातू वैली के काफ़ी नज़दीक है पतरातू वैली के, और पीछे का खूबसूरती देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको। ये है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत वैली पतरातू की, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वैली है और तो आप लोग यहाँ एक बार खुद से आए और ये व्यू को अपने आंखों से देखिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो चलिए ठीक है, अभी आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, यही है पतरातू वैली और काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा खूबसूरती है इसका। और चलिए अभी वैली के पास जाते हैं, काफ़ी नीचे उतरते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पतरातू लेक हम लोग आ गए हैं और ये उसका खूबसूरती, और ये देखिए अब हमारे ड्राइवर चेंज हो गए हैं, ये पतलू ड्राइवर है। और चलिए चलते हैं, और देखिए ये पतरातू डैम का रास्ता है, हम लोग पतरातू डैम चलते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है पतरातू डैम का ना हुआ है, पतरातू लेक रिसोर्ट लिखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। ये हेड है टिकट, और चलिए टिकट कटवाते हैं, अभिजीत गया अभी टिकट कटवाने, और टिकट कटवाते हैं उसके बाद चलते हैं लेक के पास। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत गेट है, अभी हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, चलिए एंट्री करने के बाद मिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, खूबसूरती काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, अब बहुत सारा बोट लगा हुआ है, देखिए इधर आप देख सकते हैं, और देखिए पीछे एक बोट आ रहा है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। रिसोर्ट तक लेके जाते हैं नहीं, ये सब यहीं के पर लहरिया मार लेंगे, वो आ रहा है मार रहा है, वहां से आया है अभी ये देख रहे हो सोना वो टूट गई जी, 600 रुपए ना चार्ज अंकल जी। ये देखिए दोस्तों शानदार नजारा, पूरा भैया इधर सुनो भैया हमारे, ओम
गाड़ी से बोट रिवर्ट हो रहा है अभी और राइड का मजा लेने वाले कि पतरातु लेक का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, एकदम दार्जिलिंग जैसा एक्सपीरियंस। एक तो वो ये है आपका पतरातु वैली, जो एकदम दार्जिलिंग का एक्सपीरियंस देता है। आप लोग दुवाड़ा जिगजैग वाला जो रोड है सबसे बेस्ट, एक बार जरूर आइए, एक बार घूमने लायक जगह है, आप लोग एक बार जरूर आइए। और हो सके तो अपने फैमिली के साथ आइए, काफी अच्छा लगेगा। और अपने बेस्ट वन के साथ भी आ सकते हैं, वो भी आपको काफी अच्छा लगेगा। बिल्कुल चलिए। पतरातु डैम यही है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी अपना फुल फ्लो में नहीं है, लेकिन आ जाएगा, मतलब बरसात में काफ़ी खुलता है तो फिर सही हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी अच्छा अनुभव कीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए ठीक है।